जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ सोमवार का उपाय। आज सोमवार है और सोमवार का उपाय करना है। मेरे पास लड़ाई झगड़े की बहुत लोग आ रहे हैं जिनके झगड़े हो रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी कमजोरी किसी के हाथ में मत आने दीजिए। और यदि आप अपने रिश्ते की, चाहे वो कोई रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, किसी का भी हो, यदि आप अपने रिश्ते की इज्जत खुद नहीं करेंगे तो आपके रिश्ते की इज्जत कोई भी नहीं करेगा और आपके झगड़े होते रहेंगे। इसलिए आपको अपने रिश्ते की इज्जत करनी होगी। एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ़ बात सुनता रहे तो फिर सभी उसके ख़िलाफ़ बोल लेंगे, परंतु यदि एक भाई दूसरे भाई के लिए बात नहीं सुनता किसी से, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि कोई बात कर जाए। ऐसे ही सास बहू का है, ऐसे ही पति पत्नी का है। पत्नी यदि पति के खिलाफ़ बातें सुनती रहे तो सभी उसके पति के ख़िलाफ़ बोलेंगे, परंतु यदि वो नहीं सुनेगी तो कोई नहीं बोलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारे पत्नी को या हमारे पति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनके साथ नहीं हैं। जब ऐसा लगेगा तो समझ लीजिए कि हमारा रिश्ता फेल है और वो हमारी तरफ से फेल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम उनके साथ नहीं हैं? हमें वो कारण ढूंढना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि गलत कारण पे ही हमारी सुई अटकी रहती है, जबकि कारण वो नहीं होता है, कारण कोई और होता है। इसलिए कारण ढूंढें और दूसरे की मदद लें कि क्या कारण हो सकता है। तो आइए अब आपको बताएं कि सोमवार का उपाय। देखिए, ये बहुत बड़ा उपाय है। आज करीब 10 साल बाद ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज सोमवार कुछ खास है। आज आपने चावल, हल्दी और केला, ये तीन चीज़ें दान करनी है। बहुत बड़ा दिन है और कोशिश कीजिए कम से कम 10 लोगों को आप ये ज़रूर बताएँ, चाहे फ़ोन करके बताएं, चाहे वर्बली बताएं, चाहे वीडियो शेयर करें, कैसे भी बताएं, और वह लोग भी उपाय करें तो बहुत तेज़ी से उनको लाभ होगा। और ये अवश्य कीजिएगा, बहुत शक्तिशाली उपाय है। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।
ओम।